हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे द स्ट्रगलर ऑफ द ईयर के बारे में, जिन्हें अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि इनकी कहानी सुन के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ही बोलते सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले, क्या बात है। यहाँ समझ नहीं आता कि रोहित शेट्टी को क्या हो गया है जो सारा अली खान के लिए इतने मेलोड्रामेटिक हो रहे हैं। यही अगर कोई नॉर्मल इंसान जो अपेरेंटली सैफ अली खान की बेटी नहीं होती वो आपके ऑफिस में आती ना, तो फिल्म तो दूर की बात है, आप उसे अपने ऑफिस में घुसने भी नहीं देते। मतलब देख रहे हो कितने गर्व से ये लोग स्टोरीज बता रहे हैं। देन दे विल आस्क व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव विद बॉलीवुड स्टार किड्स। ये सारा अली खान ने किसी जो एक्चुअल में डिजर्विंग थी और टैलेंटेड थी उस पर्सन की जगह ले ली है, तो क्यों नहीं होगी इन लोगों से प्रॉब्लम? एंड ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जस्ट बिकॉज सारा के पापा सैफ अली खान एंड मॉम करीना कपूर, सॉरी स्टेप मॉम और व्हाटएवर। बट क्या रोहित शेट्टी ने सारा का स्क्रीन टेस्ट लिया, ऑडिशन लिया, पोर्टफोलियो मांगा? नहीं, जस्ट उनके रेज्यूमे में बड़ा सा लिखा होगा सैफ अली खान की बेटी, तो उन्हें फिल्म में ले लिया। उसके बाद सारा की बात हो ही रही है तो लव आजकल को कैसे भूल सकते हैं? ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर, तंग करने लगे। चलो सारा में एक्टिंग का टैलेंट होता भी तो समझ आता, बट ऐसे टैलेंटलेस स्टार किड को लेने का क्या जरूरत था लव आजकल में? और चलो लेना भी था तो ले लेते, बट ऐसे बकवास एक्टिंग दिखा के ऑडियंस को क्यों टॉर्चर किया? लाइक ये एक्टिंग था, किसने अप्रूव किया इस एक्टिंग को? उसके बाद सारा बोलती है कि उन्हें ट्रोलर से प्रॉब्लम है, saying that I don't mind being trolled for being fat, I don't mind if you troll me for wearing a cap, but I'm here to act, that's my job, that's my profession, that is serious. So when I'm trolled for that, suddenly with all the confidence still intact, it is harder for me to sit there and say, ignore the trolls. For the first time, it actually kind of hurts. It hit me. कोई सारा को बता दो कि इट इज नॉट अ प्रोफेशन विच ही हैज अर्न्ड, इट इज अ प्रिविलेज विच ही इज एंजॉयिंग। जॉब क्या होता है वो 9 to 5 काम करने वाले से पूछो। एंड लेंगे हम तुम्हें सीरियसली, पहले खुद तो अपने एक्टिंग करियर को सीरियसली लो, एक्टिंग तो करो, जोक करोगे तो हंसी तो आएगी ना। उसके अलावा सारा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सारा ने बॉयफ्रेंड्स के मामले में इतना फास्ट अपग्रेडेशन लिया है जितना फास्ट इवन आईफोन भी अपने मॉडल्स लॉन्च नहीं करता। ना ही सिर्फ मूवीज में सारा क्रिंज परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देती है, बट इवन रियल लाइफ में भी क्रिंज हरकतें करती रहती है। एनीवेज अभी तक इतना तो क्लियर हो चुका है कि सारा को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, बट उनके मूवीज तो आते रहेंगे क्योंकि बॉलीवुड स्टार किड्स जो है। एंड शायद जब लोगों में ये नेपोटिज्म प्रोडक्ट के अगेंस्ट आक्रोश कम हो जाएगा तब फिर से यही स्टार किड्स को डायरेक्टर अपनी मूवी में फिर से कास्ट करना शुरू कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब लोग थिएटर्स में कॉमेडी शो समझ के मूवी को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इन जैसे बॉलीवुड माफिया मदारी की तरह नेपोटिज्म के इन बंदरों को इकट्ठा करके अपनी मूवीज बनाते रहेंगे तब तक टैलेंटेड एक्टर्स को अपनी जगह बॉलीवुड में नहीं मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपका सारा अली खान के एक्टिंग के ऊपर क्या विचार है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और लव आजकल 2 देखी थी आपने वो भी बताना, और उसमें सारा की एक्टिंग आपको कैसी लगी वो भी प्लीज बता देना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।